हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की यूनिट नंबर 2 के बारे में। दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यार, सबसे पहली चीज़ हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के यूनिट नंबर 2 में क्या आता है। यार जो हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है हमारा इमेज एनहांसमेंट इन स्पेशल डोमेन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमें दो शब्दों के बारे में पता चलता है। एक है यार इमेज एनहांसमेंट की इमेज एनहांसमेंट क्या होता है, दूसरी बात आ गई स्पेशल डोमेन। यार अगर इमेज एनहांसमेंट की बात करूँ तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि इमेज एनहांसमेंट या फिर स्टेप्स इन इमेज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या क्या होते हैं, उनमें इमेज एनहांसमेंट का वर्ड है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा। आगे हम देखते हैं कि यार स्पेशल डोमेन की बात क्या है। यहाँ पर जो है स्पेशल डोमेन क्या है, द टर्म स्पेशल डोमेन मीन्स वर्किंग इन द गिवन स्पेस। अगर मेरे को एक स्पेस दे दिया जाए, ये अगर मैं कहूँ ये मेरे पास पूरा स्पेस है जिसमें मेरे को काम करना है, तो ये मेरे लिए एक तरह से स्पेशल डोमेन है। बट इन द सिचुएशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग व्हाट इज आवर स्पेशल डोमेन, द प्लेस वेयर वी हैव टू वर्क अपॉन। हमें यहाँ पर काम करना है एक इमेज के ऊपर, तो हमारा जो स्पेशल डोमेन है यहाँ पर जिसके ऊपर हम कार्य करने वाले हैं, अपना काम करने वाले हैं, वो है हमारे लिए इमेज। सो इट इम्प्लाइज वर्किंग विद द पिक्सल वैल्यूज और इन अदर वर्ड्स वर्किंग डायरेक्टली विद द रो डेटा। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप मान के चलोगे ये जो मेरा पेपर है ये एक मेरे लिए इमेज है। अब ये जो इमेज बनी ये पिक्सल बाय पिक्सल से बनी, एक एक पॉइंट जो पूरा कंबाइन हुआ, पूरे पॉइंट उनके कॉम्बिनेशन से पूरे एक इस पेपर पे जो भी डॉट डॉट्स हैं, अगर ये पिक्सल हैं तो उनके पूरे कॉम्बिनेशन से क्या बना, मेरा ये इमेज तैयार हुआ। अब मेरे को अपने स्पेशल डोमेन में अपनी इमेज के हर एक पिक्सल के ऊपर काम करना है। तो अगर मैं इसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं अपनी इस इमेज को रिप्रेजेंट करता हूं एज एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। वहां पर अगर मैं कंप्लीट देखूं मेरा जो ये एफ एक्स कॉमा वाई है ये क्या है, इट इज़ द ओरिजिनल इमेज, ये मेरे लिए एक अपनी ओरिजिनल इमेज है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यार F क्या डिनोट करता है, F डिनोट करेगा यार यहाँ पे तो ग्रे लेवल वैल्यू। ग्रे लेवल वैल्यू से सीधा सीधा मतलब निकल के आता है कि कलर, मेरी इमेज कहाँ पर कितनी डार्क है, कहाँ पर कितनी वाइट है, ये ग्रे लेवल स्केल में बताता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक्स कॉमा वाई की, तो ये मेरी इस इमेज के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे 0.0, 0.1 ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मेरा फंक्शन हो गया जो इसकी ब्राइटनेस इस पॉइंट पर, मेरे पॉइंट पर जो मेरा कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन एफ बताएगा कि मेरी इमेज डार्क है लाइट है। तो ये कंप्लीट इनका कॉम्बिनेशन बन गया मेरी ओरिजिनल इमेज। आगे अगर मैं बात करूं कि यार अगर एक 8-bit की इमेज है, 8-bit की इमेज है, जैसे हम अपने कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं कि जो हमारी रेंज है वो बाइनरी फॉर्मेट में जाती है, हम अपनी इमेज को यूजिंग द कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं 0-1 की रेंज में। तो ये 8-bit की चीज़ हमारा 2^8 में कन्वर्ट हुई, मतलब 256 में। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसकी रेंज जाएगी क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज़ स्टार्टिंग उसकी 0 से होती है, तो 0 से लेकर 255 तक जाएगा। तो इसकी रेंज कहाँ तक रही, 256 तक, ठीक है। फॉर अ 8-bit इमेज एफ कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 225, वेयर 0 रिप्रेजेंट द ब्लैक, जो मेरा ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल पे मेरा जो 0 की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है ब्लैक वाले कलर को, और 225 रिप्रेजेंट्स वाइट, जो हमारा 225 है ये वाइट वाली कलर को रिप्रेजेंट करता है, और जो बीच की जितनी वैल्यू है वो शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक से लेकर वाइट के बीच में जितने भी शेड होते हैं, कलर होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मेरा एक इमेज है, ठीक है, एक स्क्वायर इमेज है जिसका साइज़ है यार 256x256, मतलब 256x256, और यहाँ पर मेरा एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट हैं यार, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जैसा हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी वैल्यू जाएगी 0.0 से 225 to 225। ये मेरा एक ग्रिड है, मैंने क्या करा, ये मेरा एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया। अब इस वाले कॉर्नर पॉइंट पर मेरी डिस्प्ले के इस कॉर्नर पॉइंट से 0.0 स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, तो इनका एंड पॉइंट निकल कर आएगा 255.255। अगर मैं और आगे बात करूँ, सो द मॉडिफाइड इमेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये मेरी मॉडिफाइड इमेज है,
ये देखो ये है मेरी सिंपल सिंपल इमेज। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस अपनी इमेज के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का फंक्शन अप्लाई करूंगा, तो उससे क्या निकल के आएगी, उससे निकल के आएगी यार ये मेरी मॉडिफाइड इमेज। अब मॉडिफाइड इमेज मेरी निकल के आई तो मैंने अपनी ओरिजिनल इमेज जो कि मेरी f ऑफ x कॉमा वाई थी उस पर एक टी नाम का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो मेरे को एक मॉडिफाइड इमेज मिली जिसका नाम हुआ जी एक्स कॉमा वाई, जहाँ पर बात क्या हुई, वेयर f x कॉमा वाई ओरिजिनल इमेज टी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और जी मेरा है मॉडिफाइड इमेज, ठीक है। अब यार जो बात आ रही है, जो स्पेशल डोमेन एनहांसमेंट है, ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये बात हुई, ये स्पेस था मेरा, स्पेशल डोमेन था, यहाँ पर मैंने अपनी स्पेस में इमेज पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके एक नई इमेज, मॉडिफाइड इमेज प्राप्त कर ली। अब ये जो तरीका है ये किन तरीकों से हो सकता है, इसके और क्या क्या वे हैं, इनका है एक है पॉइंट प्रोसेसिंग और एक है नेबरहुड प्रोसेसिंग। ये दो तरीके होते हैं जिनका यूज़ करते हुए हम स्पेस डोमेन एनहांसमेंट फॉर एन इमेज हम अचीव करते हैं। अब उससे पहले कि मैं ये सब डिस्कस करूं, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इमेज एनहांसमेंट किस किस टेक्निक से हम करते हैं, और आगे वाले वीडियोस में मैं और डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। तो जो हमारा इमेज एनहांसमेंट का प्रोसेस है ये दो टेक्निक से अचीव कर सकते हैं। एक हुई बात स्पेशल डोमेन टेक्निक जो अभी हमने अभी तक डिस्कस करी, दूसरी है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों का डिफरेंस डिस्कस करूंगा और आगे की वीडियोस में और आपको टॉपिक्स मिलेंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि यार स्पेशल डोमेन में क्या है और फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक में क्या है। अब यहाँ पर SD द स्पेशल डोमेन मेथड्स आर दोज विच ऑपरेट डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल पिक्सल कंपोजिंग द इमेज। तो स्पेशल डोमेन में जैसे हमने डिस्कस करा ये एक एक पिक्सल पर काम करता है, बट अगर इसे कॉन्ट्रास्ट में देखें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक क्या करती है, वी प्रोसेस एन इमेज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ एन इमेज। यहाँ पर जो इमेज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको मॉडिफाई करते हैं, उन पर कोई ना कोई चेंज का प्रोसेस, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब बात आई स्पेशल डोमेन की, स्पेशल डोमेन प्रोसेसिंग मैथड्स इंक्लूड, इसमें जो अगर अलग अलग तरह के मैथड हैं वो क्या हैं, वो है पॉइंट प्रोसेस, मास्क प्रोसेस या फिर ग्लोबल प्रोसेस। बट जो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है यहाँ पर एक ही चीज़ है, यहाँ पर ग्लोबल प्रोसेस है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक में यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पेशल डोमेन इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स आर ग्रे स्केल मैनिपुलेशन। जो अलग अलग टेक्निक्स अब मेरी स्पेशल डोमेन में आई वो क्या है, ग्रे स्केल मैनिपुलेशन, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, इमेज स्मूथनिंग एंड इमेज शार्पनिंग, ये चार चीज़ हैं जो मेरी इमेज में एनहांसमेंट में काम आती है इन आवर स्पेशल डोमेन। बट अगर मैं बात करूं मेरे फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक में तो वहां पर क्या होता है, वहां पर द फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स आर, इसकी जो टेक्निक है वो है फिल्टरिंग या फिर होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो हमारी स्पेशल डोमेन इमेज एनहांसमेंट है, सम कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस, वहां पर क्या होता है इसमें कुछ ना कुछ कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। सो उसकी वजह से तो कंप्यूटेशन कॉस्ट जो होती है हमारे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में वो हाई हो जाती है और प्रोसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट हमारे जो फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक है यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता ही नहीं है, कॉन्वोल्यूशन प्रोसेस ही नहीं इन्वॉल्व हुआ तो ना ये कॉम्प्लेक्स बना और ना कंप्यूटेशन कॉस्ट ऊपर गई, तो ये वाली बात हुई खत्म। तो यार दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की वीडियोस में आपको और नए टॉपिक मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यार ये मेरा यूट्यूब हैंडल है youtube.com/shubham arora ji, एंड प्लीज़ विजिट माई चैनल, यू विल फाइंड मोर वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।